महाराज क्या घटना थी पूरी? घटना ये हुई साहब की, शाम को करीब 7 बजे बाद की खानी है ये। तीन लोग आए फाड़ पे और तीन लोग आकर के बोला कि बाबा अभी तू गया नहीं क्या? अरे तू जाएगा या मर के ही जाएगा, कब तक इस पुलिस की होट लेगा? उन्होंने ये बात मेरे से बोली। जब मेरे जो पुलिसकर्मी थे मेरे साथ में वो भी और मैं भी फाड़ के ऊपर मैं भगा, तो मेरे पीछे पुलिसकर्मियों ने भी भगे और भग करके उनको पकड़ने की स्थित करे तो नीचे उतर करके नलेन में भग गए। भीड़ है वहाँ, तो जंगल है पूरा। तो मैंने इनसे बोला कि भैया कोई घटना बन जाए तुम मेरे पीछे, तुम तुम्हारी जान का क्यों खतरा कर रहे हो, वापसी आ जाओ भाई, अब जब हमने कार्रवाई करेंगे। तो मैंने कोटवाल साहब को, SHO को फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, और CO साहब को फ़ोन लगाया फ़ोन नहीं उठाया। एडिशनल साहब से बात हुई तो उसने मेरे को कुछ व्यवहार ही गलत प्रयोग से किया, उल्टा सीधा बोला और ये और धमकी और दी, अब मैं इनको बर्दाश्त करवा दूंगा, ये गार्ड हटा दूंगा, ये कर दूंगा, क्या हो रहा है, ऐसे गलत व्यवहार किया एडिशनल साहब ने, एडिशनल SP साहब ने, और इन लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और बाकी जो भी घटना है मैंने पहले भी FIR करवा रखी है, नहीं मेरी उसमें कार्रवाई हुई है। 19 तारीख की FIR लगी हुई है मेरी इसी मामले की, नाम खोल करके मैं FIR दे रखा हूँ, तो उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर भी देखो इनकी पुलिस होते सोते और फिर भी धमकी मार रहे, इसमें कोई ना कोई तो साजिश होगी ना भाई, बिगड़ साजिश के थोड़ी होता है। फिर मैंने गऊ कसी हुई है, जब का भी मुद्दा दिया हूँ, खाल वगैरह सब चीज़, इन लोगों ने बोला कि बाबा ठीक है हम मुकदमा बना रहे, अब तक भी कोई कार्रवाई कोई पेश नहीं हुआ है, और नहीं मेरी कोई कार्रवाई हुई है। 19 तारीख की घटना की मैंने मतलब पूरी लिखा करके और डाक ऑफिस से भेजा हूँ मैं, उसकी रसीद है मेरे पास हाल फिलहाल भी, और नहीं अभी तक मेरा कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। ये घटना है महाराज। अब क्या आपके आगे क्या आगे की यह है कि मैं किसी भी दिन आज या कल में कभी भी मैं धरना डालूंगा, मेरी गऊ मुख्य क्यों, मेरी जान को वहाँ फुल खतरा है। जबकि बार बार इतना गार्ड होने के फिर पुलिस प्रशासन वहाँ पर रह रहा है, उससे पूछा जाए कि ये हकीकत है या गलत है, अपना पेटा भरो, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे गलत की सज़ा मुझे मिले, उस चीज़ पे भी मैं मंजूर हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो उस चीज़ की सज़ा मुझे भी दी जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी सिफारिश करो, लेकिन इसमें यदि मेरी कार्रवाई नहीं होगी आज कल में तो मैं मतलब धरना स्थल SDM कोर्ट के एडिशनल SP के वहाँ धरना जारी करूँगा, मेरी गऊ वगैरह और भूख हड़ताल, जब तक मेरा न्याय नहीं मिलेगा मैं खड़ा नहीं हूँ। महाराज पुलिस ने आपको सुरक्षा उपलब्ध करा दी? हाँ जी। और सुरक्षा के बाद वो बदमाश आपको धमकी दे जाते हैं, अब आपका आगे क्या है? मतलब इसमें किस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई है जो मेरे बदमाश जिनके मैं नाम खोल करके FIR भी करवा रखी है, और बाकी ये कार्रवाई है कि इनको पकड़ करके पाबंद करो, और आगे की कार्रवाई जो होती है वो कार्रवाई करो, मुझे मेरी जान की सुरक्षा है कि भाई बाबा आगे के लिए खतरा नहीं होगा। ये थे गोलेश्वर धाम मंदिर के महंत, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इनको धमकी दी गई है और इन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करा दिया है, लेकिन इन्होंने कार्रवाई से असंतोष जताते हुए आगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।